हेलो गाइस, आज हम द मास्टर ऑफ किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग डेजर्ट जिसका नाम है बनाना टॉफी। तो बनाना टॉफी के लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑफ कॉर्न फ्लोर, वन कप ऑफ रिफाइंड फ्लोर। अब हम ये दोनों मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वन कप ऑफ वाटर, और पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायर्ड। हमें एक स्मूथ टेक्सचर चाहिए। मेक श्योर कि जब भी आप इसके अंदर पानी ऐड करें तो वो पानी का कंटेंट ज़्यादा ना हो जाए। हमें एक स्मूथ बैटर चाहिए हमारे बनाना टॉफी के लिए, और ध्यान रहे कि इसके अंदर लम्स ना रह जाए। आपको प्रॉपर मिक्स करना है इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि हमारा एक स्मूथ बैटर यहाँ पर रेडी है बनाना टॉफी के लिए जैसी हमें रिक्वायरमेंट है। तो बनाना एंड हमारा बैटर रेडी है। अब बारी है बनाना को कट करने की। बनाना को हम कुछ इस शेप में अलग अलग तरीके से डाइस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी साइज अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने डायमंड साइज में इसको कट किया है। अब ये बनाना को हम बैटर के अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बैटर के साथ में मिक्स करके अब बारी है डीप फ्राई की। तो हमने फ्राई पैन में पहले से ही ऑयल रेडी रखा है, और आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके सभी बनाना को कोट करके डीप फ्राई कर दिया है। अब बारी है प्लेटिंग की। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर एंड क्रिस्प बनाना रेडी है। अब बारी है बनाना के ऊपर शुगर कोटिंग की। तो शुगर कोटिंग के लिए हमें चाहिए वन कप ऑफ शुगर, जो हम फ्राई पैन में उसको मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं शुगर धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और आपको बहुत ही लो हीट पे आपको इसको मेल्ट करना है। लो हीट पे आपको मेल्ट करते रहना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर और पूरी तरीके से शुगर मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम कोट करेंगे हमारे बनाना के साथ में कुछ इस तरीके से, और आपको इसको आइस वाटर में कोट करने के बाद तुरंत ऐड करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपको कोट करने के बाद आइस वाटर में इसको डालना है वन बाय वन। अब ये बनाना टॉफी जो है वो रेडी है। हेलो गाइस, माय नेम इज विशाखा थापा, और आज मैं खड़ी हूँ द मास्टर ऑफ किचन में, जहाँ पे शेफ ऋषि ने बनाया है द बनाना टॉफी, जो बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग लग रही है। तो मैं आज इसको टेस्ट करके मैं अपना रिव्यू आपको बता। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही फ्लॉपी है। ये क्रिस्पी और सॉफ्टनेस का कॉम्बिनेशन है। मुझे इंटरेक्ट किया इस वेब ने, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और टेस्ट भी अमेजिंग और डिलीशियस है। तो ऐसी और भी अच्छी रेसिपी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो द मास्टर ऑफ किचन को। थैंक यू गाइस।